नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह है आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में आए कमेंट के आधार पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे क्लेम पर कुछ और बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपसे क्लेम को लेकर के कुछ और बातें शेयर कर रहा हूं। जी हां, क्लेम एक अत्यंत चमत्कारी बीज मंत्र है। एक चीज आप समझ लीजिएगा, अपने जीवन में आपको मुख्य रूप से तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहली बात है शक्ति, दूसरा आकर्षण और तीसरा योग या ध्यान। अगर ये तीनों का बैलेंस आपके जीवन में है तो आप अपने जीवन को कोई भी दिशा दे सकते हैं, किसी भी उद्देश्य को, ऊंचे से ऊंचे उद्देश्य को आप आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो जो क्लेम मंत्र है वो महाकाली का भी बीज मंत्र है जो कि शक्तिदात्री हैं, वो कामदेव का भी बीज मंत्र है जो कि इस संसार में आकर्षण प्रेम की भावना को उत्पन्न करने वाले देव माने जाते हैं, और ये ध्यान और योग का भी मंत्र है जिसके अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं जिन्होंने समता योग दिया। तो अगर हम इस क्लेम मंत्र को इस प्रकार करते हैं जैसा मैं आपको बताता हूं तो आपके जीवन में इन तीनों चीजों का साम्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि क्लेम मंत्र हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसा आपका उद्देश्य होगा वो क्लेम उसी दिशा में आपके लिए कार्य करेगा। जैसे आप शक्ति की आराधना करते हैं तो काली का कोई भी बीज मंत्र जैसे आप बोलते हैं, कोई भी मंत्र बोलते हैं, तो उसके साथ क्लेम अगर आप जोड़ देते हैं तो उस मंत्र की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय नमः, अगर आप ये क्लेम लगा करके बोलते हैं तो इस मंत्र की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो कृष्णाय नमः की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओम क्लीम कामदेवाय नमः, आकर्षण बीज मंत्र की शक्ति बढ़ जाएगी। इस क्लीम मंत्र को आप महालक्ष्मी के साथ ओम क्लीम लक्ष्मी नमः, तो इस मंत्र की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ओम क्लीम सरस्वती नमः, विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनके साथ लगा करके प्रयोग करेंगे तो उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये तो प्रश्न रहा इस बात का कि आप भक्ति मार्ग में उतरना चाहते हैं, लेकिन बहुत से हमारे भाई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में और भी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वे किसी के प्रेम में पड़ गए हैं, चाहे कोई युवक किसी युवती के साथ या कोई युवती किसी युवक के साथ प्रेम में पड़ जाती है और उसके मस्तिष्क में वही बात घूमती रहती है, तो उसके लिए हम क्या करें? ये जानने के लिए मैं आपको बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ कि जिस भी युवक या युवती को आप आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका फोटो लें। अगर फोटो उपलब्ध नहीं है तो एक सादा कागज पर उसका नाम लाल रंग के स्याही से लिख दें और उसे अपने सामने रखकर अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों भौहों के बीच में उसके बिंब को, उसकी फोटो को, उसका स्मरण करें और उसके सामने बैठकर लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं और शांत चित्त से उसका ध्यान करते हुए क्लेम मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। एक शनिवार से प्रारंभ करके दूसरे शनिवार तक आप निरंतर इसको एक माला कीजिए। समय ऐसा चुनें जो कि आपके लिए डिस्टर्बिंग ना हो, सुबह उठ करके कर सकते हैं या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 21 दिन तक इस तरीके से करने से आपको बहुत बड़ी सफलता इसमें मिल जाती है। अगर आप धन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी के सामने लाल रंग का पुष्प उन्हें चढ़ाएं और उनका ध्यान करते हुए पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ ओम क्लीम लक्ष्मी नमः
इस मंत्र का जाप उनके सामने करें तो देखेंगे आप कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि धीरे धीरे आने लगी है, जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं थी। तो ऐसा करने के लिए ये सब आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि क्लेम करने के लिए आपके जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। हमने इधर को एक प्रोग्राम आपके कहने से प्रारंभ किया है, जिसमें हम अपने अनुभव के आधार पर आपके लिए एक फाइल तैयार करते हैं, जिसमें आपके अतीत वर्तमान भविष्य सब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप क्या करें, क्या उपाय करें, किस तरीके से आप करें कि अगर आपके ग्रहों की दशा मजबूत नहीं है तो वो मजबूत किस प्रकार से हो सकती है। क्योंकि फिर उस समय अगर आप क्लेम करते हैं उस उपाय को करने के बाद, तो क्लेम का फल भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये भी आपके लिए आवश्यक है। अगर उसको आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप हमसे इस बात के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आगे मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि क्लेम अगर आप इस प्रकार से, जैसे आपको ध्यान योग में जाना है, आप ये चाहते हैं कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, योग में उतरना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर या रात्रि को मध्य रात्रि के लगभग इस प्रयोग को कर सकते हैं। उसके लिए आप लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए, भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए और क्लेम मंत्र का उच्चारण इस प्रकार करें कि आपकी जीभ में कंपन उत्पन्न ना हो। क्लेम 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 होठों से आपको करना है, जीभ नहीं उठनी चाहिए। इस प्रकार करेंगे अगर आप, तो आप ये पाएंगे कि 21 दिन करने के पश्चात आपको ध्यान के अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन बात वहीं पर घूम कर आती है कि आप कितने विश्वास के साथ, कितने श्रद्धा के साथ, कितने आत्मबल के साथ, कितने ट्रस्ट के साथ इस मंत्र को करते हैं। इस मंत्र को आप जहां भी जोड़ देंगे वही कार्य आपका होने लगेगा। लेकिन आपको अपनी विल पावर, आपको अपनी इच्छा तो कम से कम व्यक्त करनी पड़ेगी कि मैं इस कार्य के लिए करना चाह रहा हूं। हम अगर एक समय में बहुत सारी चीजों को लेकर करेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे किस कार्य में अग्रसर होना है। अगर आप आकर्षण चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, योग चाहते हैं तो भी क्लेम आवश्यक है, शक्ति चाहते हैं तो भी क्लेम आवश्यक है। संसार की हर चीज को प्राप्त करने के लिए, संसार में हर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये क्लेम आपकी सहायता करेगा। इसलिए जैसे मैंने बताया है आप इसे करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं उस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और ये देखिए कि आपसे इसको क्या प्राप्त हो सकता है। तो आप जब तक बार बार नहीं देखेंगे तब तक चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा।